फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, साथ ही साथ अपनी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य अब की बार एग्जाम पार करना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को आपके लिए लेकर तैयार हैं, जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड हों, चाहे आप यहाँ पर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए वीडियो एकदम मददगार और आपके लिए सुपर हिट रहने वाली है। तो क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपको वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन और मॉक टेस्ट की सीरीज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो उसी विश्वास, उसी कॉन्फिडेंस और उसी उम्मीद के साथ हम क्लास के साथ बने रहेंगे। चाहे आप फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले हमारे दोस्तों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। आपका फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर का टोकोफेराल है, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, पुरुषों में नपुंसकता और माताओं में बांझपन की समस्या होती है। इसका सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? अंकुरित अनाज के तेल को माना जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम, कमी से रतौंधी रोग, साथ ही साथ गाजर को इसका सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं, और कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम, कमी से रिकेटस बच्चों के अंदर, ऑस्टोमलेशिया बड़ों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित था? मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित था? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स शांति पीस के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका फ्रेंड्स मदर टेरेसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जो भारत के राष्ट्रपति थे, साथ ही साथ ये एक दार्शनिक थे। इन्हीं के जन्मदिवस के ऊपर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्हें भारत रत्न जब 1954 में स्टार्ट किया गया, तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से मरण उपरांत 1966 में सम्मानित किया गया है। आपके फ्रेंड्स भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें मरण उपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पोखरण भारत के किस राज्य में है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, पोखरण भारत के किस राज्य में है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान में पोखरण स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पोखरण भारत के यहाँ पर है गुजरात राजस्थान राज्य के अंदर है, जहाँ पर फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर दो जब विद्युत परीक्षण यहाँ पर क्या परमाणु परीक्षण हुए थे, दोनों के दोनों राजस्थान के अंदर हुए थे। एक आपका फ्रेंड्स पोखरण में पहला हुआ था 1974 में और दूसरा हुआ था 1998 में। पहला जो पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ था फ्रेंड्स इंदिरा गांधी के समय में, और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पोखरण के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर भारत के लेकर भारत को लेकर एक अलग नज़रिया बन गया था। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? आपको फ्रेंड्स की बात बताना है। आपसे फ्रेंड्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 18 मई 1974 को भारत में पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, 28 मई 1974 को। सीमांत गांधी के नाम से
किसे जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। कई बार आपको फ्रेंड्स सीमांत गांधी मिल जाएगा, कई बार इस क्वेश्चन के अंदर सरहिंद गांधी मिल जाएगा, कई बार इस क्वेश्चन को फ्रंटियर गांधी के नाम से पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका सभी का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, खाल अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान है जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है, सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद के अंदर स्थित है, आपका फ्रेंड्स अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प के नाम से जाना जाता है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, जिस विश्वास के साथ आप वीडियो के साथ बने हैं उसी विश्वास के साथ आखिर तक बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस को अटेंड करें और अपने अंदर एक निखार एक जुनून पैदा कीजिए जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जुनून, हौसला और अनुभव, ये तीनों चीज़, ये तीनों हथियार जब हमारे हाथ में होंगे तो हमारे परीक्षा को यहाँ पर हल होने से या हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्यूटेन, ब्यूटेन को लाइटर के अंदर भरा जाता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो 2 है यहाँ पर, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, आपका फ्रेंड्स जेम्स चैडविक बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, क्या जेम्स चैडविक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो विमान सेवाएं कौन सी है, वर्जिन एयरलाइंस है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान एवं इराक के बीच में युद्ध कब प्रारंभ हुआ, ईरान और इराक के बीच में युद्ध कब प्रारंभ हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है हमारे एडवांस सक्सेस पॉइंट परिवार में, जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुँच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। इराक और इराक के बीच में युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 1980 के अंदर, 1980 के अंदर ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप फ्रेंड्स अपने अंदर दृढ़ता लेके आइए, विश्वास लेके आइए, जुनून लेके आइए, साथ ही साथ अपने हौसलों को बनाए रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद रखो। जब तक आपके अंदर उम्मीद बाकी रहेगी तब तक आपके अंदर किसी चीज़ को हासिल करने का जुनून भी बाकी रहेगा, तो अपने उम्मीद अपने हौसलों को बनाए रखें और इसी प्रकार से प्रतिदिन की सभी क्लासेस को अटेंड करें ताकि आपकी परीक्षा को पार करवाने में हम आपके साथ मदद कर सकें। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, आपका फ्रेंड्स शाहजहां ने, शाहजहां आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, साथ ही साथ शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? सभी प्यारे दोस्त फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या आएगा इसका राइट आंसर? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। और आपका फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी और इसी दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, यदि आपको हसरत मोहिनी ऑप्शन में दिया गया है तो फ्रेंड्स आप भगत सिंह के साथ नहीं फिर जाएंगे, आप हसरत मोहिनी के साथ, क्योंकि हसरत मोहिनी के द्वारा इसको 1924 में रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, स्काउट एंड गाइड के जनक किसे माना जाता है? स्काउट एंड गाइड के जनक किसे माना जाता है? सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। और फटाफट से आंसर करेंगे, स्काउट एंड गाइड के जनक किसे कहा जाता है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 बैडन एवं पावेल को। किसको? बैडन एवं पावेल हैं जिन्हें स्काउट एंड गाइड का जनक कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी फ्रेंड्स फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अल्फर्ड नोबल है जिनके द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। आपका फ्रेंड्स अल्फर्ड नोबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 नागपुर में, नागपुर के अंदर फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 नागपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो ऐसे ही आपको बेहतरीन सीरीज प्रोवाइड करवाते रहेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी अगली सीरीज के साथ फ्रेंड्स।